Assalamu alaikum and welcome to my channel. Today we are going to study about calculus 2 and its lecture number 1, that is introduction. Calculus हमने पहले भी पढ़ा था MTET 101, लेकिन उसमें क्या था, उसमें सिंगल वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा था. यहाँ पे हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के फंक्शन होंगे. ठीक है, सबसे पहले तो उसकी इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो ऐसा जिसमें कोई सॉल्व करने वाली एक्सरसाइज या कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज़ में यूज़ हो सकते हैं. इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि हम कैलकुलस में आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें. सो इसमें जो मेन जो दो यूजेज हैं इसके, एक तो ये कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जो चेंजेस होते हैं उसको एनालाइज करती है. दूसरा इसका यूज़ ये है कि जो मोशन एंड चेंज, इसकी जो मैथमेटिक्स है उसमें कैलकुलस यूज़ होती है. ठीक है, जहाँ पे मोशन होगा, ग्रोथ होगी, वेरिएबल फोर्सेस जो हैं वो काम करे होंगे और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे होंगे, तो उन जगहों पे हमारे पास कैलकुलस की जो मैथमेटिक्स है वो अप्लाई होती है. ठीक है, जैसे फिजिक्स में ये सारे फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ होते हैं, तो फिजिक्स में भी कैलकुलस का बहुत ज़्यादा यूज़ है. कैलकुलस बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस. ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस के अपने यूजेस हैं और इंटीग्रल कैलकुलस के अपने यूजेस हैं, तो हम अभी सेपरेटली देखेंगे कि दोनों के क्या क्या यूजेस हैं. डिफरेंशियल कैलकुलस में हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं और स्लोप ऑफ कर्व फाइंड करते हैं. रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ कर्व जो है, किसी भी कोई बॉडी है या कोई पॉइंट है, उनके लिए हम फाइंड कर सकते हैं और उसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस के ज़रिए फाइंड करते हैं. वेलोसिटीज हैं, एक्सेलरेशन है, मूविंग बॉडीज़ की जो कैनन्स होते हैं उनके जो फायरिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है, उसको मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल से दिया जा सकता है, उसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस से देखते हैं. जो प्लैनेट्स होते हैं उसके बारे में हम पता कर सकते हैं कि वो कब क्लोज होती है या कब सबसे दूर होती है, फर्दस्ट अपार्ट होती है. उसके बाद आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ. इंटीग्रल कैलकुलस जो है, जो हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं उसी के ज़रिए जो है, उसी के इंफॉर्मेशन के ज़रिए हम कुछ और मज़ीद चीज़ें फाइंड करते हैं. देखते हैं क्या क्या है. एक तो लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करते हैं हम इंटीग्रल कैलकुलस से. दूसरा, हम इरेगुलर रीजन के जो एरियाज हैं वो फाइंड करते हैं. वॉल्यूम एंड मासेज ऑफ आर्बिट्री सॉलिड्स, और टू कैलकुलेट द फर्दर लोकेशन ऑफ फ्यूचर लोकेशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजिशन एंड नॉलेज ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट. इसमें क्या है, एक तो जो कर्व्स हैं जिसकी जो हम स्लोप्स फाइंड करें या जो कर्व्स हैं उनकी लेंथ फाइंड करने में हम इंटीग्रल कैलकुलस यूज करते हैं. जो इरेगुलर रीजन होते हैं, देखें, हम एरिया फाइंड करना ईजी है, बट उन रीजन्स का जिनकी कोई स्पेसिफिक शेप हो, लेकिन अगर किसी की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होता है. उसका हम कोई फार्मूला नहीं हमारे पास उसकी, उसका एरिया या उसका वॉल्यूम या उसका मास फाइंड करने के लिए, तो इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो यूज़ होता है इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने में या उसको फाइंड करने में. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेफरेंस एक्सेस सिस्टम के बारे में. रेफरेंस एक्सेस सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, उससे पहले हमें रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, कि रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों के को कंबाइन करके बनता है. हम ये कह सकते हैं, हम एक सेट बना सकते हैं रियल नंबर्स का एज अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. ठीक है, जो रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं उनको मिला के हम एक सेट बना सकते हैं, और उसको हम क्या नाम देंगे, रियल नंबर्स का. अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन बिटवीन टू रियल नंबर्स, तो आपने क्या कहना है, देयर आर इनफिनिट रियल नंबर्स बिटवीन एवरी टू रियल नंबर्स. जो भी हमारे पास दो रियल नंबर्स होते हैं, जैसे देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आ सकते हैं. ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे है, अंडर रूट 2 है, 0.5 आ सकता है. ठीक, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ 2 और 3 के दरमियान में, यहाँ मैं एक पॉइंट लगा दूँ 2.5 का, ये देखें 2.5 का एक पॉइंट मैंने एक ले लिया यहाँ पे. तो यहाँ पे इस तरह से मैं 2.1 2.2 ले सकती हूँ, तो मैं जितने भी लेना चाहूँ, मैं ले सकती हूँ पॉइंट्स लेना चाहूँ यहाँ पे दो के दरमियान, तो मैं ले सकता हूँ. देयर आर अनलिमिटेड नंबर्स. ठीक है, इन्फिनिट है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि एक या दो हैं. अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस होती है, जब भी हमारे पास टू डायमेंशनल स्पेस और टू डायमेंशनल एरिया होता है. ठीक है,
ये दो लाइन जो है वो आपस में कट करके एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। एक्स एक्सिस पे कोई भी जब पॉइंट होता है तो उसको हम एक ऑर्डर पेयर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से वाई एक्सिस पे भी कोई पॉइंट होता है तो उसको हम ऑर्डर पेयर से ही डिनोट करते हैं। अच्छा, उन ऑर्डर पेयर में जो दो नंबर्स होते हैं उनके नाम हैं, एक फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ नोन एज एप्सिका इज अ रियल नंबर, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या है, एप्सिका, वो एक रियल नंबर होता है। एंड अदर एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट विल हैव जीरो वैल्यूज। दूसरा जो पेयर है और दूसरा जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है, उसके जीरो वैल्यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलर एट एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एन ऑर्डर पेयर। वाई एक्सिस पे जैसे मैंने आपको बताया कि उसको भी हम पॉइंट को ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं, हमने पॉइंट्स को देखें मेंशन किया है, मार्क किया है 0 1 0 2 0 3, यहाँ पे 1 0 2 0 0 1 -1 0 -2, ये सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं जिसको हमने मेंशन किया हुआ या पॉइंट आउट किया हुआ, ठीक है। फर्स्ट लेटर इज एप्सिका एंड द सेकंड इज ऑर्डिनेट। फर्स्ट लेटर इज एप्सिका एंड कैन बी एनी रियल नंबर एंड ऑर्डिनेट विल हैव जीरो वैल्यूज। ओके, नाउ लेट्स कम टू द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। यू नो दैट हम बहुत आसानी से पॉइंट की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये देखें ये इधर मीट कर रहा है वाई एक्सिस से पॉइंट बी पे और इधर कर रहा है एक्स एक्सिस से पॉइंट ए पे, तो ये हमारे पास इसकी लोकेशन हो गई है, ठीक। ये तो ईजी था। आगे अब जब हमारे पास स्पेस होती है तो वहाँ पे हमारे पास दो लाइंस नहीं होती, वो थ्री डायमेंशनल स्पेस हो, स्पेस की बात जब होती है तो हमारे पास टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन की बात होती है। थ्री डायमेंशन में हमारे पास थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, उसका रेफरेंस एक्सिस के को शो करती हैं, जिसके नाम होते हैं एक्स वाई और जेड। प्लेन्स क्या होते हैं, उसके एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू जीरो, दैट डिवाइड द स्पेस इंटू एट ऑक्टेंट्स। टू डायमेंशन में कितने ऑक्टेंट्स होते हैं, फोर होते हैं। एट थ्री डायमेंशनल में एट ऑक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। उसका ओरिजिन क्या होता है, जीरो जीरो एंड जीरो। एनी पॉइंट इन द स्पेस विल हैव थ्री कोऑर्डिनेट्स। स्पेस में कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, थ्री। टू डायमेंशन में टू कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट के साइंस पढ़ेंगे डिफरेंट ऑक्टेंट्स में। पहले तो हम थोड़ा सा उसका इंट्रो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट अ प्लेन इन द 3D स्पेस एंड इन दिस प्लेन एवरी पॉइंट हैज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एज जीरो, ठीक है। एक इक्वेशन जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है 3D स्पेस में और उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरीके से जब वाई इज इक्वल टू जीरो होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा और जब जेड इज इक्वल टू जीरो होगा तो उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। दिस प्लेन्स आर सो पास टू द ओरिजिन, और ये सारे के सारे प्लेन्स किससे पास होते हैं, ओरिजिन से। जैसा हमें पता है कि इन तीनों प्लेन्स को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है सर्टन पॉइंट पे और ओरिजिन उसको कहते हैं, ठीक है। वही बात हो रही है यहाँ पे, वाई इज इक्वल जीरो विल हैव वाई कोऑर्डिनेट एज जीरो एंड एनी पॉइंट ऑन द प्लेन जेड इज इक्वल जीरो विल हैव जेड कोऑर्डिनेट एज जीरो। वेन टू प्लेन्स इंटरसेक्ट वी गेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये बात आपने याद रखनी है कि जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें एक लाइन की इक्वेशन मिलती है, लेकिन When two lines intersect, we get a plane containing these two lines. जब हमारे पास एक two lines intersect करते हैं तो हमें एक plane मिलता है और उस plane में क्या होता है, वो दो lines एक दूसरे को intersect कर रही होती हैं। Now note that by intersection of the plane x is equals to zero and z is equals to zero, we get the line which is our y-axis. अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि ये देखें x is equals to zero और जेड इज इक्वल टू जीरो, ये जो इंटरसेक्ट करें तो यहाँ से हमें कौन सी लाइन मिल रही है, वाई एक्सिस मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब वाई इज इक्वल टू जीरो होगा और एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा उससे हमें कौन सी लाइन मिलेगी, जेड एक्सिस मिलेगा, ठीक। क्योंकि देखें ये फुल प्लेन, एक लाइन तो नहीं ना, ये फुल प्लेन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, फुल प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पर हमें जेड एक्सिस मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारे पास z इज इक्वल टू जीरो का एंड y इज इक्वल टू जीरो का, वो हमें एक्सप्लेन देगा। अच्छा, ये आपने याद रखना है। देखें यहाँ पे भी बाय इंटरसेक्शन ऑफ z इज इक्वल जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो वी गेट द लाइन विच इज द एक्स एक्सिस, बाय इंटरसेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो वी गेट द लाइन विच इज z एक्सिस, ठीक है।
ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। दिस थ्री प्लेन्स डिवाइड द 3D स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स डिपेंडिंग ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। जब भी हम एक पॉइंट की बात करते हैं और स्पेस में करते हैं तो उसमें हम डिपेंडेंट हो जाती है, डायरेक्शंस आ जाते हैं उसमें, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शंस आ जाते हैं। अच्छा, वी हैव 8 ऑक्टेंट्स डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऑक्टेंट्स का साइंस है। काफ़ी मुझे खुद जो है इसको याद करने में थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी, तो अगर आपको भी है तो आप इसको ऐसे याद करें कि जो टू डायमेंशनल के साइंस हैं उसी तरीके से देखें, फर्स्ट ऑक्टेंट प्लस प्लस है, सेकंड माइनस प्लस है, थर्ड माइनस माइनस और फोर्थ प्लस माइनस है। स्टार्ट में सारे के सारे जो जेड हैं वो प्लस है, ठीक है। फिर आगे जो है तो आगे वाले सारे के चार जो हैं वो माइनस में है, साइंस वही है देखें, लेकिन स्टार्ट वाले फोर में प्लस है, अगले वाले फोर में माइनस है। फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों प्लस प्लस है, सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर फिफ्थ आ जाएगा तो माइनस चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, ये आपने याद रखना कि फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट ऑक्टेंट में क्या होता है, जेड माइनस होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में जेड प्लस होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 3D स्पेस का जो रेफरेंस एक्सिस होता है उसमें हमें एक परपेंडिकुलर एक्सिस विच कैन बी ऑब्टेन फॉर द रेफरेंस एक्सिस ऑफ 3D स्पेस वी नीड अनदर परपेंडिकुलर एक्सिस विच कैन बी ऑब्टेन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। जो हमारे पास टू वेक्टर्स हैं x और y, उसके क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक और वेक्टर चाहिए जो कि हमारे पास फिर 3D स्पेस में है। द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय राइट एंगल। अब हमें थर्ड तो चाहिए लेकिन उसकी डायरेक्शन भी हमें पता करनी है, तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के जरिए हम उसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये थंब रूल के जरिए उसका जेड एक्सिस बना दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन है। जो फंक्शन का टर्म है वो डिनोट करता है द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वान्टिटी और ऑन द अदर क्वान्टिटी, ठीक है। एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है, दूसरी इंडिपेंडेंट होती है। एक्स इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द क्वांटिटी वाई इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। जाहिर सी बात है जो वैल्यू हमारे पास जो हमें देनी होती है उसको वो इंडिपेंडेंट होती है, और जो फंक्शन फिर जो वैल्यू उस फंक्शन में डाल के उससे हमें वैल्यू मिलती है वो डिपेंडेंट होती है। वी राइट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वी डिड एस वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसको f ऑफ x भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको ये भी पढ़ सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x डिफाइन y एज अ फंक्शन ऑफ x बिकॉज ईच वैल्यू असाइन टू x डिटरमाइंस यूनिक वैल्यू ऑफ y। y इज इक्वल टू 2x जो है ये एक फंक्शन को डिफाइन करता है जहाँ पे आप x को कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हमें उसके जरिए y की यूनिक वैल्यू मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगी तो x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 5 लगाऊँ तो x 5 हो जाएगा और y 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें वैल्यूज मिलती हैं फंक्शन में। अच्छा, अब फंक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, पहले हम वन वेरिएबल के फंक्शंस देखेंगे। सिंगल वेरिएबल जो होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस r बाय द इक्वेशन a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया का है, डिपेंड करता है, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस यानी r। उस तरीके से वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स x बाय द इक्वेशन v इज इक्वल टू x क्यूब। जो क्यूब का वॉल्यूम है वो उस वो किस पर डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, सो v इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इस तरीके से बॉल की जो वेलोसिटी है वो फ्रीली जब अर्थ की तरफ आता है, ग्रेविटेशन अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड इंक्रीजेस तो ग्रेविटेशन फील्ड इंक्रीज होती है टाइम के साथ, तो क्या हो गया, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बैक्टीरिया कल्चर में द नंबर एन ऑफ द प्रेजेंट आफ्टर वन डे ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एन बैक्टीरिया प्रेजेंट इनिशियली, सो वी से एन इज अ फंक्शन ऑफ एन। जो बैक्टीरिया कल्चर है उसमें जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एन, और फिर बाद में जो नंबर एन होता है वो भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सो वी से दैट एन इज अ फंक्शन ऑफ एन। जो कैपिटल एन है वो स्मॉल एन का एक फंक्शन है, ठीक है। अब सेवरल वेरिएबल्स के फंक्शन की तरफ आते हैं। काफ़ी वेरिएबल्स जो काफ़ी फंक्शंस जो हैं
वो डिपेंड करते हैं मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, उस पर काफ़ी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चाहिए, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ए इज इक्वल टू एल डब्ल्यू, ठीक है, लेंथ इन टू विथ, ए इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ एंड विथ, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो वो एग्जाम्पल है इसकी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के, आपने याद रखने एमसीक्यूज में आ सकता है, वी इज इक्वल टू एल डब्ल्यू एच, एरिया फॉर ट्राइंगल जो है ए इज इक्वल टू हाफ लेंथ इन टू एच, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू पाई आर टू एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कह रहे हैं वी इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड एच, पाई और टू की बात नहीं की, क्यों, क्योंकि पाई और टू जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट हमारे पास कभी भी फंक्शन जो उस पर डिपेंड नहीं करता, तो हम कहते हैं वी इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड एच। ओके सो दैट्स एंड ऑफ आवर लेक्चर, आपका होमवर्क असाइनमेंट ये है कि जो टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ी है उसको एक दफ़ा रीड करें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।